प्यारे बच्चों, आज हम जो विषय ले रहे हैं तो हमारा आज का विषय है व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग हैं। तो ये बातें आज हम जानेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण की परिभाषा क्या होती है? जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों, वाक्यों के शुद्ध रूप की जानकारी देता है वह व्याकरण कहलाता है। अथवा व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है। तो बच्चों, ये आपकी परिभाषा बन गई दो तरह से। तो आप कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। व्याकरण के अंतर्गत किसी भाषा को पढ़ने, बोलने और लिखने के नियम होते हैं। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप से प्रयोग के लिए उस भाषा के व्याकरण की जानकारी आवश्यक है। बच्चों, आप भी तीन भाषाएं पढ़ते हैं स्कूल में, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, और तीनों भाषाओं के आपको अलग अलग व्याकरण लगे हैं। तो उन व्याकरण का ज्ञान होना आपको इसलिए आवश्यक है ताकि आपको व्याकरण के नियम पता चल जाएं, भाषा को लिखने के नियम, पढ़ने के नियम और बोलने के नियम समझ आ जाए। तो हिंदी भाषा का व्याकरण जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें हिंदी भाषा को सही रूप से बोलना, लिखना या पढ़ना नहीं आएगा। तो उसी तरह से संस्कृत और अंग्रेजी भाषा की भी बात रहती है कि उन भाषाओं के भी हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अब बच्चों चलते हैं, अगला लेते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के बच्चों चार अंग है। पहला है वर्ण विचार, जिसको हम अक्षर भी कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कहलाती है। शब्द विचार, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। पद विचार, वाक्यों में प्रयुक्त होने पर शब्द को ही पद कहते हैं। तो इस बात को आप याद रखें कि जब वाक्य में शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वही पद कहलाता है। चौथा है वाक्य विचार, एक ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ या भाव पूरा पूरा समझ आ जाए, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले वर्ण होता है, फिर शब्द बनता है वर्णों के मेल से, फिर उसके बाद जो है पद विचार, यानी कि हम जब वाक्य में शब्द को लिखते हैं तो वही पद बन जाता है, शब्द को ही पद कहते हैं, और चौथा फिर वाक्य हमारा सार्थक बन जाता है। जैसे मैं वाक्य कहती हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो बच्चों यह एक सार्थक वाक्य है। तो इसमें जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वाक्य में तो वही पद कहलाता है। तो इस बात को आप याद रखें। तो बच्चों, आज हमने व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के जो अंग है उसके बारे में जाना, तो आपको अवश्य ही समझ आया होगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।